गर्मी के मौसम में दो दो आइस टी की रेसिपी लेके मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। एक है क्लासिक आइस टी और दूसरा है मैंगो आइस टी। तो चलिए आइस टी का जो टी है वो पहले बना लेते हैं, वही मेन इंग्रेडिएंट्स है इस रेसिपी का। तो इसलिए मैंने एक टेबलस्पून टी ले लिया और उस पर मैं थोड़ा सा पानी, गर्म पानी ऐड करके 10 से 15 मिनट के लिए टी को भीगने के लिए छोड़ देती हूँ और थोड़ा सा ठंडा भी हो जाता है 10 से 15 मिनट के बाद। देखिए एक बहुत डार्क एक लीकर बन के रेडी है और उसको मैं एक ग्लास में छान के रख करके रख देती हूँ। तो चलिए चलिए पहले जो फर्स्ट रेसिपी है मेरा क्लासिक आइस टी वो बना लेते हैं। इसके लिए मैंने एक ग्लास में 2 से 3 क्यूब लेमन ले लिया और उसमें मैं डाल देती हूँ उसके बाद मिंट लीव यानी पुदीने की पत्ते। अब शक्कर में डाल देती हूँ, मैंने शुगर पाउडर यूज किया, अगर आप चाहो तो नॉर्मल शक्कर भी यूज कर सकते हो। मैंने 1 टेबलस्पून शक्कर लिया, ये आप जितना मीठा यूज करते हो टी में उसके हिसाब से आप ले सकते हो। अब एक बेलन की मदद से मैंने सारे जो इंग्रीडियंट्स है उसको थोड़ा सा स्मैश कर लेती हूँ, जैसे इसका जो फ्लेवर है वो बाहर निकाल के आ जाए। तो ये आइस टी है तो इसलिए मैंने बहुत सारा आइस क्यूब यूज किया इसमें। अब डाल देती हूँ वो जो टी के लीकर जो मैं बना कर रखी थी उसको, थोड़ा सा, ये थोड़ा सा गाढ़ा लीकर है इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, बहुत थोड़ा सा यूज़ किया और बाकी का जो ग्लास खाली है उसमें मैं ठंडा पानी यूज़ कर लेती हूँ और ऊपर से मैं थोड़ा सा लेमन के जो जूस है उसको डाल के मैं सर्व करती हूँ ठंडा ठंडा। और डेकोरेशन के लिए मैंने एक लेमन की स्लाइस को बीच में से कट करके यूज़ कर देती हूँ। देखिए क्लासिक आइस टी रेडी। अब बना लेते हैं मैंगो आइस टी। इसके लिए मैंने एक ग्लास ले लिया, उसमें मैं एक एक करके डाल देती हूँ मिंट लीफ। मैंगो आइस टी है तो मैंने इसमें मैंगो पल्प यूज किया, अगर आप चाहो तो मैंगो के छोटे छोटे स्लाइस करके भी यूज कर सकते हो। अब एक एक करके मैं डाल देती हूँ इसमें भी थोड़ा सा शुगर पाउडर, क्योंकि मैंगो ऑलरेडी मीठा है तो उस हिसाब से मैं 1/2 टेबल स्पून शुगर पाउडर यूज किया। फिर मैंने दे दिया थोड़ा सा लेमन की जूस। अब वही बेलन के मदद से थोड़ा सा स्मैश करके सारे जो इंग्रीडियंट्स है उसको मिला लेती हूँ। अब उसमें मैं डाल देती हूँ वो जो लीकर में बनाकर रखी थी उसको, थोड़ा सा और आइस क्यूब बहुत सारा। अब मैं ठंडा पानी डाल के ठंडा ठंडा सर्व करती हूँ लेमन मैंगो आइस टी। तो अगर मेरे ये दोनों रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना मत भूलिए और एक लाइक करना भी मत भूलिएगा। वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट रेसिपी के लिए, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।